दोस्तों बहुत बुरी खबर है, मेरी जो गाय ब्याई हुई थी ये देखो ये पूरी तरह खत्म हो गई। गाय धीरे धीरे सभी गायों को होने लग गया है। तो जो लैम्पी है ना, उस लैम्पी ने गाय की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है। ये अपने बच्ची की प्रतीक्षा कर रही है और दूध नहीं दिया इसने, 2 दिन हो गए। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि भ्रमण में। तो यहाँ पर जिस समय अलर्ट हो रहा है उस समय यहाँ पर बारिश नहीं है, और जब बारिश का मौसम नहीं बन रहा है तब बारिश हो जा रही है। तो आज का मौसम कुछ ऐसा ही है बारिश वाला। माँ के काम से शुरुआत करते हैं और मम्मी निकाल रही है अभी गोबर, और बरसात के टाइम पर इतना पानी हो जाता है अंदर, और अब मम्मी पूरा पानी निकाल कर गोबर निकाल कर बाहर आएगी। और मेरा काम है, मैं भैंसों को पानी दे रहा हूँ, और बरसात के टाइम पर और ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी। तो ये इसने एक बाल्टी फिनिश कर दी है और अब मैं इसको दूसरी बाल्टी दे रहा हूँ। तो अब मैं दूसरी बाल्टी लेके चल रहा हूँ। इस छोटी वाली को भी पिलाना है पानी, और इतना बड़ा हो गया है, मुर्रा नस्ल वाली भैंस है। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं हम लोग, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ऐसा कहते हैं कि ख़त्म, तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी, और बाकी पानी मैं उसकी माँ को दूंगा। तो अभी बरसात के टाइम पर यही काम होता है पहले। ये पोटाश है, लैम्पी ठीक होने के बाद पैर की सूजन जहाँ पर हुई थी वहां से ऐसे फट रहा है, और पूरी गाय पूरी अच्छे तरह ठीक हो गई है, पर जो निशान है वो अब बाहर निकल रहे हैं, पूरे बदन में से सारे निशान अब निकल रहे हैं। लैम्पी वायरस इस पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ, क्योंकि ये है गाविन, और जिसकी वजह से इसका इस साइड का हिस्सा पूरा खतरनाक हो रखा है, और पूरे छाले ही छाले इसमें निकल रहे हैं, गर्दन में भी बड़ा भयंकर ये यहाँ। तो बड़ी मुश्किल से इसको बचा रखा है, और एक और बच्चिया है जो कि अंदर है वो भी ठीक हो गई। अब इसका पोटाश लगाते हैं, और इसके बाद फिर पोटाश लगाने के बाद कमेट लगाऊंगा। ये बैल भी ठीक है, पर इसके जो ये पैर है ये पूरा स्वेलप हो गया था बहुत ज्यादा, इतना बाहर आ गया था ये पैर से, इतना बाहर आ गया था। तो बाद में ये फूटा, जब ये बैल से ही हो गया, फूटने के बाद इतने बड़े बड़े छेद हो रहे हैं पूरे बदन में, यही गर्दन में भी। तो लैम्पी की वजह से काफी बड़ा नुकसान हुआ इस बार, क्योंकि बैल बीमार हो गया था तो हमने रुपाई भी नहीं लगा पाए, सब बैल पर निर्भर होता है, इस बार की रुपाई ठप हो गई है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, बैल जो सही हो जाएगा तो अगली बार रुपाई लगाएंगे। तो जो लैम्पी है ना, उस लैम्पी ने गाय की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है। भाई हमारी गाविन है, ब्याई हमारी ब्याने वाली है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इसी नुकसान के चक्कर में इस बार हमारे रुपाई भी नहीं हुई। दोस्तों बहुत बुरी खबर है, मेरी जो गाय ब्याई हुई थी उसका बच्चा भी लैम्पी का शिकार हो गया है, और वो भी चल बसा, तो जिसकी वजह से मेरी छोटी गाय दूध भी नहीं दे रही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और वो रोने में लगी है। देखो कैसे वो सही हो जाती है। ये अपने बच्ची की प्रतीक्षा कर रही है और दूध नहीं दिया इसने, 2 दिन हो गए, मतलब कल शाम को ख़त्म हुआ था और आज सुबह हो गया, तो अब ये दूध ही नहीं दिया।
फीमेल जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है, मेल बड़े हैं और ब्लैक रंग के हैं। तो अभी बाहर आए हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और जितना भी शहद अंदर फीमेल ने बनाया हुआ था वो सब चट कर गए हैं। इस बार कोई शहद नहीं निकला, और इस बार पहली बार थे तो इस बार हमने देखा भी नहीं और मुझे आइडिया भी नहीं था, पर जितना भी शहद अंदर बना था बार बार मैं खोलकर सफाई कर रहा था तो वो सब ये ब्लैक वाले मधुमक्खियों ने, जो मेल है उन्होंने सब चट कर दिया है। आप लोगों को भी दिखाता हूँ, इतने बड़े बड़े काले रंग के। पास से तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी सब बाहर आए हुए हैं और कहीं मुझे खाएंगे। मैं तब से बहुत ज़्यादा डरने लगे क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा काट दिया है। तो जितने भी ब्लैक हैं वो सब बाहर आए हुए हैं, तो बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार बारिश है और बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है, वैसे ही हम लोग परेशान हैं और ऊपर से बारिश ने और परेशान कर रखा है, कुछ काम करने को बन ही नहीं रहा है। तो मौसम ठीक होने के बाद कुछ ऐसे नज़ारे हैं, और ये वक्त शाम का है, शाम के वक्त में थोड़ी सी हल्की सी धूप। तो दोस्तों बारिश के हटने के बाद थोड़ी सी हल्की धूप आई, और किसी ने हमें बताया कि गाय को जो दूध नहीं दे रही है उसकी समस्या का समाधान है, तो तू जंगल जा, कुछ पत्तियां दिखाई उन्होंने, तो जंगल से मैं वो पत्ती लेके आ रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए, और मैं लेके चलता हूँ वो दवा। फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।